अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा कटलेट्स। तो पिज़्ज़ा कटलेट बनाने के लिए मैंने ये आलू ले लिए हैं। ये दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। इनको मैशर से अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह जो आलू के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए आलू। तो अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर डालना ज़रूरी है। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे डो की कंसिस्टेंसी में हमें लाना है। आप हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, डो की कंसिस्टेंसी में आलू हमारा आ चुका है। अब हम पिज़्ज़े की फिलिंग बनाकर रेडी करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कैप्सिकम 1/2 कप, शिमला मिर्ची ली है चॉप की हुई, प्याज ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, ब्लैक ऑलिव्स डाल देंगे, थोड़े थोड़े से कट करके डाले हैं मैंने ब्लैक ऑलिव्स को। आप चाहे तो ग्रीन ऑलिव्स या कॉर्न भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस, 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है, नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे, 1 कप चीज़ लिया था मैंने। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। देखिए फिलिंग बनकर रेडी है। अब स्लरी बना लेते हैं। मैदा ले लिया है 1/2 कप, उसमें सॉल्ट 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी का यूज़ करते हुए हम इसकी स्लरी बना लेंगे। तो ये देखिए स्लरी बनकर रेडी हो चुकी है। अब सबसे पहले हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और जो हमने आलू बनाया था जो उसका हम बड़ा पार्ट ले लेंगे और इस तरीके से उसको फ्लैट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से फ्लैट करने के बाद सेंटर में हम फिलिंग को भर देंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के ये बनकर रेडी होते हैं, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा इसका टेस्ट होता है। तो आप ज़रूर इसको बनाइए इफ्तार में और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे बने थे आपके कटलेट। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ये होगा कि मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो आपको दिखेगी। तो ये देखिए इस तरीके से पैक कर दिया है। अब सेकेंड वाला भी सेम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। आप चाहे तो इस फिलिंग में बॉईल की हुई चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। अब सबसे पहले हम स्लरी में डुबा देंगे कटलेट को, उसके बाद इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देना है। अच्छी तरह से कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्स से इनको। सेकेंड वाला भी इसी तरह से कर लूँगी मैं और सारे इसी तरह बनाकर हमें रेडी कर लेने हैं। और इनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप बना के इनको फ्रीज कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तेल को मैंने गरम कर लिया है। 1 by 1 पिज़्ज़ा कटलेट्स डालेंगे तेल में और इनको फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। स्पून से इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल डालते जाना है। ये देखिए एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब सेकेंड साइड से भी हम इसी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुकी है कटलेट्स, इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़े के और टेस्टी से हमारे पिज़्ज़ा कटलेट्स बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।